अब खबरें विस्तार से। नगर परिषद हमीरपुर ने स्वच्छता को लेकर मुहिम तेज कर दी है और इसी के चलते अब प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए कवायद भी शुरू कर दी है। हमीरपुर बाजार में नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने जागरूकता रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर गांधी चौक से लेकर बूटा चौक तक सफाई कर्मियों ने रैली निकाली और प्लास्टिक से परहेज करने और स्वच्छता बनाए रखने के से लेकर लोगों को दिया संदेश। नगर परिषद हमीरपुर ने स्वच्छता को लेकर मुहिम तेज कर दी है और इसी के चलते अब प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए कवायद भी शुरू कर दी है। हमीरपुर बाजार में नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने जागरूकता रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर गांधी चौक से लेकर बोटा चौक तक सफाई कर्मियों ने रैली निकाली और प्लास्टिक से परहेज करने और स्वच्छता बनाए रखने को लेकर लोगों को संदेश दिया। नगर परिषद के पर्यवेक्षक राजेंद्र शर्मा ने बताया कि 11 सितंबर से 1 अक्टूबर तक प्लास्टिक मुक्त हमीरपुर बनाने की कवायद शुरू की है। उन्होंने बताया कि सभी लोगों के सहयोग की इस मुहिम को सफल बनाने के लिए अपील की जा रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 7 दिनों के प्लास्टिक को PWD विभाग को सौंपने के लिए ले जाया जा रहा है। नगर परिषद द्वारा 11 सितंबर से 1 सितंबर तक प्लास्टिक मुक्त हमीरपुर बनाने की सोच ली है। इसमें सभी सहयोगी दल सभी लोग सभी सहयोग दे रहे हैं। इसमें व्यापार मंडल वाले भी सहयोग दे रहे हैं। सभी पार्षदों ने अपने अपने वार्डों में रैलियां भी करवाई और प्लास्टिक भी इकट्ठा कराया और प्लास्टिक के बारे रिसाइकिल के बारे में भी लोगों को जागरूक किया है। हमारी आज जो हमने 7-8 दिन का प्लास्टिक इकट्ठा किया हुआ है, इसको हम PWD को गाड़ियों के माध्यम से ले जा रहे हैं और इसके बाद दो तारीख को श्रम दान करेंगे और 3 तारीख से रिसाइकिल के लिए जो प्लास्टिक जो है PWD के लायक नहीं है उसको बरमाना स्मिट फैक्ट्री में भेजा जाएगा। धन्यवाद। कितना किलो प्लास्टिक इकट्ठा कर पाएगा? अभी तो मापेंगे, वो जाके बकंडा लगा हुआ है।